हाल में किनको महिमामंडित किया गया भाई? तो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को। इस तरह से एआईसीसी के मंच पर महिमामंडित किया गया, जैसे लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है उनका, और उनको कांग्रेस सम्मान दे रही है। आप समझिए करती करनी में क्या फर्क है। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के युवा के प्रभारी बने राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी ने नियम बनाया कि जिसके ऊपर चार्जशीट होगा वह यूथ कांग्रेस के किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। और बिहार में एक संजीव सिंह जो इलेक्ट हो गया ऑलरेडी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत में, लेकिन उसके ऊपर पुराना कोई चार्जशीट एक था, देन ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक ओवर द प्रेसिडेंसी। और वहाँ पर कितने केसेस हैं नहीं हैं पप्पू यादव जी के ऊपर, वो तो लोगों का जानना है। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से उस समय के प्रभारी जगदीश टाइटलर जी उनको पार्टी में एंट्री देना चाहते थे। मैंने प्रतिकार किया था, विरोध किया था, और उस समय अपने कार्यकाल तक तो उनकी एंट्री मैंने नहीं होने दी थी। अब अगर पप्पू यादव, हमने तो ट्वीट भी किया था कि अब लगता है बिहार में लालू और पप्पू के चप्पू के सहारे कांग्रेस बैतरनी पार करेगी। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सेंसिबल लोग हैं, सचमुच सेकुलर जहन के लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहते हैं कि बेहतर राजनीति पार्टी करें, उसके लिए तो बहुत असह्य स्थिति हो गई है, बिल्कुल असहनीय हो गई है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि सचमुच एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं महसूस करता हूँ वो बात आपके माध्यम से मैं लोगों के बीच में पहुँचाऊँ, जो 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 रियलिटी है, जो सच्चाई है। और इसीलिए मैंने किया है। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मैंने इस फीलिंग के साथ आदरणीय खड़गे जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का पत्र भेज दिया है। आई हैव रिजाइंड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस हेंसफोर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जाएंगे अब आप। अगला स्टैंड क्या होगा? कब्जा में और किस हैसियत से जाएंगे?